जस्ट लाइक गोल्ड कॉर्नेट गेमिंग, मुझे भी बॉन्ड SMP जैसे किसी महान हस्ती वाली SMP का रिकैप करना था, लेकिन मुझे कोई इनवाइट ही नहीं कर रहा था। आई वॉज सो सैड, आई वॉज सो डिप्रेस्ड, बट नाउ वी हैव विवो SMP। अरे अरे भाई भाई, वीवो SMP नहीं, वेवो SMP है भाई, क्या बोल रहे हो। वो सब तो ठीक है, पर कौन है तू? अरे भाई, इसको रखा किसने है भाई? फाउंडर को नहीं जानता है वेवो का? तेरे को और कोई नहीं मिला बीवा सही में? भाई क्यों इसको क्यों कास्ट ले लिया? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। क्या यार, किसी को बुला लेते हैं, सारा दिमाग खराब कर दिया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। Well, hello guys and welcome to very first episode of Vaibhav SMP season 3. Starting off with Biba Patrick, जो कि Vaibhav SMP के owner है and currently इनके channel पे 2.05 के subs हैं। जितना मैं अपने real घर को decorate नहीं करता, उतना इन्होंने अपने Minecraft में food farm को किया है। By the way, if you guys noticed, मैं इतना प्यार से क्यों बात कर रहा हूँ? अरे चलाओ music। बेसिकली इन्होंने अपना बेस लकड़ी से, एक सेकंड, ये लाइन नहीं बोलनी थी। One eternity later. तो बेसिकली इन्होंने टाइगर बायोम में अपना हॉबिट होल स्टाइल का बेस बनाया है, जिसमें इन्होंने लिटरली घर के अंदर एक पॉन्ड बनाया। आई मीन लाइक, इतना फ्री टाइम सर आप लोगों के पास आता कहाँ से है? मेरे पास तो ओके, ये लाइन नहीं बोलनी थी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फिर। इनके पास एक पर्सनल माइन भी है, जिसमें इन्होंने बहुत सारा माइन किया है। आप इनके मुंह से कुछ सुन सकते हैं। मैंने बहुत सारा माइन किया है, सारा माइन किया है, किया है, किया है, माइन किया है। सॉरी सर, मुझे गालियां मत देना प्लीज। एक्चुअली में इन्होंने सही में बहुत ज्यादा सारा माइन किया है, एंड गुंडागर्दी करना इनका साइड बिजनेस है। प्लीज मुझे मारना मत, और आगे की वीडियो थोड़ा सब्र करके देखना। अकेलेपन का सदमा लगने के कारण अब ये जानवरों से भी बात करते हैं। आइए एग्जांपल दिखाता हूं आपको। हेलो, बच के रहना भाई, सबसे भाई खतरनाक लोग है यहाँ पर, बच के रहना, सही में बता रहा हूँ। बहू है, हेलो, रक्षा करना यहाँ पर, देखना। हाँ, बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोशी के, तेरे को पता है ना, घर में आए तो बॉबी को बोल देना। यहाँ तक कि इस बेरहम आदमी ने अपने पेट पिग को एक घूसा तक मारा है। ओ, हेलो सिगी, इधर देख। अरे इधर देख, प्रेस F फॉर रिस्पेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वेवो निवासी, हमारे साथ हैं रवि प्लीज, जिनके चैनल पे करंटली 168 सब्सक्राइबर्स हैं। रवि सर को मैं एक टिप देना चाहूंगा, आपको अपनी वीडियोस, आपकी वीडियोस में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसकी आवाज प्लीज थोड़ी कम कर लीजिए, क्योंकि मेरे कान से खून निकल। इन्होंने अपने स्टार्टर बेस पे एक मैनुअल शुगर केन फार्म बनाया, विच इज फॉलोड बाय अ टेम्परेरी फूड फार्म, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी पोटैटो एंड कैरेट उगाते हैं, क्योंकि उसके अलावा इनके पास और कुछ है नहीं उगाने का। इनका स्टार्टर हाउस काफी अमेजिंग है, जिसको बनाने में बीबा ने भी थोड़ी हेल्प की है। एंड यहाँ का माजरा कुछ ऐसा है कि बीबा ने इनके घर का कुछ पोर्शन छीन लिया है 5 डायमंड की लालच में, एंड बोला है कि अब वो उस जगह पे नहीं आ सकते। उनसे धक्के मार के उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया गया है। एंड बोला था बीबा को गुंडागर्दी करने में पसंद आता है। रिपोर्टर सोल चाचा, कैमरामैन स्टिल अननोन के साथ आप देख रहे हैं वीवो SMP। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वेवो SMP के प्लेयर्स को कम मत समझना, इनके बिल्ड्स बहुत ही खतरनाक होती हैं। एक बार जाके इनकी वीडियोस देख लेना, आपको बड़ा मजा आएगा, सीरियसली। पैट्रिक चाचा ने रवि सर को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया है कि अब उनका खूल खोलने से नहीं रुकता है। क्या मतलब भाई, तो बक्सा दिखाना नहीं छोड़ेगा क्या? एंड यार, पता नहीं रवि सर के घर पे इतनी झाड़ उग रही है यार, इन्हें हटाने का मन नहीं है क्या, आजकल का फैशन। साथ ही साथ इन्हें एक विलेज भी मिला है, जिसमें इन्होंने बड़ी ही क्रूरता के साथ विलेजर्स को पकड़ के उनके घर के अंदर रखा है। हाँ, वो बात अलग है कि कोरोना वायरस चल रहा है। 1 घंटे बाद, हेलो गाइस, मैं हूँ बीबा पैट्रिक और वेलकम टू अनदर सीजन ऑफ 1 घंटे बाद। मैनेजर है, काफी मैनेज करता है सब कुछ, तो आपने इस बार पक्का 1 घंटे बाद, तो इस सीजन बहुत मजा आने वाला है। इस बार पक्का 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 1 घंटे बाद। मैं अभी यहाँ पर बिल्ड, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर, जिनका नाम है कौशिक, जिनके चैनल पे 152 सब्सक्राइबर्स है करेंटली। स्टार्टिंग के 6 मिनट इंट्रो की वजह से इन्हें फ्री में वॉच टाइम भी मिला है। अरे ये लाइन नहीं बोलनी थी यार। बेसिकली ये मनोज ओपी के साथ रहते हैं, विच यू विल टॉक अबाउट लेटर इन दिस वीडियो। इन्होंने अपने स्टार्टर हाउस में एक गधे का सर लगा रखा है। आई मीन लाइक, हाउ ब्रूटल यू गाइस आर। बेसिकली इनका स्टार्टर हाउस बनाने में मनोज चाचा ने इनकी काफी हेल्प की है, एंड पता नहीं क्यों इनका सेकेंड फ्लोर नूबरा कुछ तो गई सीधा। ये इसका बेडरूम है, देखो कितना ऑफिस बेडरूम है, 3 खड्डे हैं, खड्डों से कभी भी बात चले तो ये वाइन लगता है। अरे गाइस सुनो,
गाइस सुनो, कल क्या हुआ, नाम मनोज आया भाई, रवि और मनोज आए, रवि स्कैफोल्डिंग लगाया और इसने वाइंस लगाया, भाई मजाक चल रहा है भाई, घर को जंगल बनाने की मतलब बहुत कोशिश चल रही है भाई। सो बेसिकली कौशिक की पीठ पीछे मनोज और रवि इनके घर को जंगल में बदल देना चाहते हैं। सो यही है, इन्हें तो ज़ॉम्बी विलेजर्स भी मिले हैं जिनका नाम इन्होंने रखा है सोनू और मोनू। ने कोबलस्टोन पकड़ा है वो मोनू, जिसने नेदरैक पकड़ा है वो सोनू। And if I am not wrong, इन्हें कुछ mob farms मिले हैं, I mean spawners मिले हैं, जिन्हें बाद में mob farm में बनाएंगे, तो stay tuned. Coming to the next member, Ayan P, जिनके चैनल पे currently 39 subscribers हैं, and जितना कम इनके subscribers है, एकदम opposite इनका content है, इनके subscribers पे मत जाना, please subscribe this guy. नहीं. ओके जोक्स असाइड, ये वीवो के प्लेयर्स काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ यार अपना। इन्होंने अभी तक अपना स्टार्टर बेस नहीं बनाया है, बट इन्होंने एक नेदर पोर्टल बनाया है जो काफी ऑसम है अगर सच बताओ तो। इन्होंने एक मैनुअल फूड फार्म भी बनाया है जो कि सर्कल साइज में है। मैं क्या बता रहा हूँ यार। One eternity later. इनके पास एक सीक्रेट चेस्ट भी है जो सीक्रेट चेस्ट के नाम पे धब्बा है, लेकिन इनके पास जो रिसोर्सेस है, डैम इट, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। इस बंदे ने फर्स्ट एपिसोड में ही इंचेंटिंग टेबल बना लिए, एंड मैन जिस तरह से सजाया, एक बार जरा तुम खुद देख लो यार। आयान को एक रवीन भी मिली है जिसमें उन्हें एक माइनशाफ्ट प्लस एक स्पॉनर तक मिला है। हाँ देख सकते, ये स्पॉनर है जो मुझे मिला है, और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसे कैसे बनाऊँ, तो शायद से मैं इसे अर्ली पार्ट तक बना दूं, और यहाँ से मैंने लूट वो सब ले ली थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर मनोज MCPE, जिन्होंने सेम कौशिक की तरह स्टार्टिंग के 6 मिनट एकदम, इनके चैनल पे करंटली 52 सब्सक्राइबर्स हैं। इनका स्टार्टर हाउस एक केव हाउस है, बट जो कि मेंढक जैसा दिखता है। इनका फर्स्ट रूम जो कि बेसिकली एक खोखला रूम है, खोखला पूरा खोखला, कुछ नहीं है इसमें। एंड इनका सेकेंड रूम फर्नेस रूम कम स्टोरेज रूम है, जिसमें लिटरली बैरल्स खाली पड़ी हैं। इनके घर के पास एक रवीन भी है, जो रवीन कम 1.17 का केव अपडेट से कम नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? ए, हाथ नहीं लगाने का वो मेरे टाइम में। अभी मेरे को डर। नॉट टू मेंशन इनके पास बहुत ही ज्यादा डायमंड्स है, एंड फॉर्च्यून 3 से तो पता नहीं क्या तबाही मचाएंगे। ओ माय गॉड। ओके सो दिस वाज पार्ट 1, एंड अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट पे फनी लगी हो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, एंड अगर इस वीडियो पे 40 लाइक्स आए तो फिर मैं न्यू वीडियो डाल दूंगा। सो जल्दी लाइक्स करो एंड कमेंट करो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, एंड जिन भी मेंबर्स का नहीं हो पाया सो सॉरी, नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा। तब तक के लिए एक प्यारा सा बाय बाय। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी।